हेलो फ्रेंड्स, खारदुंगला बाइकर्स ग्रुप पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले के एपिसोड पे हम आपको बता चुके हैं बाइकिंग टूरिंग से रिगार्डिंग, जब आप लोग रिलैक्स करना चाहते हैं या फिर कहीं भी रुक के आप खुद को एंटरटेन करना चाहते हैं या फिर अगर ग्रुप में हैं और तो भी अगर एंटरटेनमेंट ज़रूरी है तो सबसे जो सभी लोगों को जोड़ती है वो है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के रिगार्डिंग हम आपको पहले एपिसोड्स में आपको Xiaomi का एक ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर है उसका हम लोग दिखा चुके हैं, और JBL का जो हेडफोन होता है C100SI उसके बारे में बता चुके हैं, और आज आप लोग लेके आए हैं ये JBL का ही ये स्पीकर है, ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर है। दिखाते हैं आपको कि कुछ चीज़ें हैं इसमें, देखते हैं आराम से क्या है। ये हमको लगता है ये बिल है इनका, और कुछ नहीं इसमें। ये JBL को देख रहे हैं आप, और इस पर दिखा बना हुआ है, ब्लूटूथ का साइन बना हुआ है, और ये 5 आवर बैटरी देगा ये, और ये माइक्रोफोन का साउंड है, आइकन है। इसका मतलब ये है कि इस पर आप अपने फ़ोन्स को आप रिसीव कर सकते हैं ईजिली। खोल देखते हैं इसका वेट कितना है। बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं ये है हाथ में, मेरे हाथ में पूरा अच्छे से आ जा रहा है, ये बिल्कुल कवर हो रहा है। तो इसको आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, और ये देखते हैं क्या है। इनका JBL वालों का मैनुअल है, इसको रखते हैं प्रैक्टिकल कर देखते हैं। तो बहुत हल्की इसका वेट है, और ये देखिए कॉलिंग का आइकन बना हुआ है, और आई थिंक ये माइनस और प्लस बना हुआ है वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए आइकन है, और ये आपका पावर बटन है, ये आप इसको किसी भी चीज़ में हैंग कर सकते हैं, इसके लिए है JBL का ये आइकन है। और ये आपका सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, इसको आप चार्ज कर सकते हैं। बाकी ये आपका आई थिंक ये रिसीवर है, और ये 3.5 mm का ऑडियो जैक है। हाँ, इसको आप जो ऑक्स केबल होती है उसके थ्रू अपने लैपटॉप से या फिर किसी भी चीज़ से, हाँ, इसको एक्सटर्नल साउंड बॉक्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ चीज़ रही इनकी, और कुछ नहीं। ये आपका इनका ऑरेंज कलर का बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। ये चार्जर है, डेटा केबल के लिए इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन ये दिए हैं तो इसे हम चार्जिंग करेंगे। और वेट बहुत हल्का है इसका, इसको ऑन करके देखते हैं। क्या आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। और जहाँ तक इसकी स्पेसिफिकेशन है तो iOS के साथ और एंड्रॉयड के साथ ये कॉम्पिटेबल है फुल्ली। और देखते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल है, ये इसका जो प्लेटफॉर्म है वो विंडोज़ है, देखते हैं इससे कनेक्ट करके कनेक्ट होता है कि नहीं। तो इसको कनेक्ट कर रहे थे ये दोनों मोबाइल से पेयर हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, आपको दिखाते हैं। ब्लूटूथ पे गए, आप ये देख रहे हैं JBL को कनेक्टेड वॉइस एंड म्यूज़िक, वॉइस एंड म्यूज़िक के लिए कनेक्ट है। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैनल पर या किसी ने ये शेयर किया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल से या विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे जो मोबाइल है उससे भी ये JBL कनेक्ट हो जाता है। कॉल क्वालिटी देखते हैं इसकी हम, कॉल क्वालिटी के लिए हमको इसे रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे रिसीव करेंगे तो आवाज़ इस पर आएगी, इसे रिसीव करेंगे तो इस पर आवाज़ आएगी। आप देख रहे हैं ये इसी आवाज़ आ रही है, इसको रिसीव करते हैं। ये जो फोन है, कॉल रिसीव हो गई है। हेलो 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 हेलो, और देख रहे हैं आवाज बहुत अच्छी आ रही है इसकी, बड़ा दिखते हैं ये फुल वॉल्यूम में, और अगर आप मीटिंग कर रहे हैं और कई लोग आपसे बात करना चाहते हैं किसी फोन पे तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। और आप वॉल्यूम कम करते हैं। हेलो 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 हेलो, वॉल्यूम बिल्कुल मिनिमम है, बढ़ाते हैं फिर। हेलो 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 हेलो,
वॉल्यूम फुल है, वॉल्यूम फुल है, और यूट्यूब पे हम आपको कोई वीडियो प्ले करके दिखाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे कोई ऑडियो प्ले करते हैं तो दिक्कत होती है, कॉल कट गई है। और यूट्यूब पे कोई अपने चैनल से रिलेटेड कोई वीडियो प्ले करके दिखाते हैं आपको। अभी आई थिंक कि इसका ये फुल वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये है तो छोटा, लेकिन बड़ा कमाल का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो साउंड है वो 80 डेसिबल है, 80 डेसिबल बहुत ज़्यादा होती है। Xiaomi का अभी जो एक ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर है उसका हमने रिव्यू दिया था यूट्यूब पे, और उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो 65 डेसिबल है। साइज़ में इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसका जो बैटरी है वो 8 घंटे तक चलता है। इस पर ये 5 आवर्स का क्लेम कर रहे हैं कि 5 आवर्स चलेगा। इसकी जो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बेस इसमें थोड़ा कम है। और जो Xiaomi का है उसका जो बेस है, बेस बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी थोड़ा साउंड इससे कम है, और दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी साइज़ का थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, ये छोटा है, वो चॉकलेट साइज़ का है, वो थोड़ा सा लंबा है, उसको आप जेब में आराम से रख सकते हैं। ये भी बिल्कुल हाथ में है, और हम इसको हाईली रिकमेंड करेंगे। JBL है, JBL का अपना नाम है, बाय हारमन है, तो नो डाउट क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, और हम रिकमेंड करेंगे इसको। अगर आप लेना चाहें तो इसको आप ले सकते हैं। इसका जो लिंक होगा अमेजन से वो हम दे देंगे आपको नीचे। और ये कनेक्टिविटी के लिए बाय ब्लूटूथ किसका, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है वो अभी हमने मेजर नहीं किया, लेकिन आई थिंक 9 मीटर तो होना ही चाहिए। हाँ, वो हम बता देंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।